तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग जैसे कि हमारे नानी के गांव से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, तो यहां के भी आपको हसीन वादियां दिखाते हैं और गांव का नेचर कैसा होता है वो दिखाते हैं। तो चलो आपको दिखाते हैं बैक कैमरे से, आप वेट कीजिए और हसीन वादियों का मज़ा लीजिए। तो चलो अब दिखाते हैं। तो गाइस ये चेक करो, तो अलग ही लेवल का मंजिल है। और ये देखो हरियाली हरियाली अलग ही लेवल में दिख रही है। और ये सारा हमारा जो नानी का गांव है गोपेश्वर से ऊपर ये सलना बछेर गांव जिसे कहते हैं वहाँ है। और बाकी देख सकते हो अलग ही लेवल का। और ये देखो आप, ये चेक करो, ये उस साइड का है। और बाकी हम ये ऊपर जहाँ ये खंभे दिख रहे हैं यहाँ से रोड आए ऊपर के लिए, एक ये वाला रूट है और एक इस साइड से भी ऊपर का रूट है, तो वहाँ से हम आए हैं। और बाकी ये सामने आपको दिख रहा होगा, आपने पुरसाड़ी झील तो सुनी होगी, तो पुरसाड़ी झील सामने है, सामने दिख रही है बिल्कुल। तो बाकी अलग लेवल का है। और ये देखो ये हमारा मोंटी है, अमंटी देखिए मोंटी मोंटी पड़ रहा है फुल। और अपना खरगोश भी एक नीचे। और बाकी अभी मैंने उसी वाले रूट से निकलना है, पुरसाड़ी के ठीक ऊपर से रोड निकलता है रुद्रप्रयाग वाला। तो अभी मैं आया था बहन को छोड़ने अपने साथ, तो अब बहन को छोड़ के अभी हम निकलेंगे और अंदर अभी शादी की कैसेट देख रहे हैं। तो बाकी बहन टाइप आज यहीं छोड़ूंगा मैं, और नानी लगी है नीचे फुल काम में, और गांव में ही होता काम धाम। और रेड फूल वगैरह फ्लावर वगैरह लगे हैं। अभी यहाँ चला था नया मकान का काम चल रहा था इस साइड। तो गाइस मामा लोगों ने जो पुराना मकान था तो उसको रिन्यू कर दिया, तो नया बना दिया है। तो ये सारा अभी हाल ही में चला था, जैसे कि मैंने बोला था कि मैं गोपेश्वर नानी का गांव वाला ब्लॉग लेके आऊँगा, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, मैं इसलिए ला नहीं पाया, मैं आ भी नहीं पाया क्योंकि पापा लोग आए थे, उन्होंने ये छत पे काम वगैरह कर रहे थे साथ में। गाइस पहले जब हम आए थे यहाँ तो मैं लॉकडाउन के टाइम पर आया था, उसके बाद से मैं अभी आ रहा हूँ, और बहुत चेंज था उस टाइम पर। अब तो मतलब पूरा मकान मकान सब डेकोरेट होकर मतलब चेंज हो चुका है। और बाकी गांव में आप देख सकते हो इस तरीके का हसीन जो मौसम है, और अलग वादियाँ हैं वो मिलती है, और शुद्ध ऑक्सीजन वगैरह आपको मिलेगी, और निकलता हुआ जो पानी का स्रोत रहता है वो रहता है मीठा पानी, एकदम अलग ही लेवल का रहता है। और बाकी यहाँ जो भी है हरा भरा हर जगह आप देख सकते हो। और अभी गेहूँ की जो धान वगैरह है वो हो रही है, तो इसीलिए पूरे खेत में ऐसा यहाँ पूरा मतलब दाल वगैरह सब्जी सब्जी जो भी है और टोटल सारी खेत में उगाई जाती हैं। और क्या बोले अब, प्रोटीन वगैरह बहुत सारा मिलता है उन चीज़ों में। और बाकी का आप देख सकते हो पूरा हरा भरा। और अभी मैं ऊपर जाते टाइम भी आपको दिखाऊँगा, और बीच बीच में रुकते रुकते आपको और दुनिया की सैर कराऊंगा, बोले तो उत्तराखंड की सैर। तो चलो गाइस मिलते हैं आपको सीधा आगे, तब तक के लिए आप वेट कीजिए और फुल मज़े लीजिए, ब्लॉग कैसा लग रहा है ये बताना। तो चलो गाइस मिलते हैं आपको सीधा।
गाइस फाइनली मेरी निकलने की तैयारी हो चुकी है यहाँ से, तो अब निकलेंगे फिर आपको मिलते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये खरगोश भी पाल रखा है, कुत्ता भी पाला है, बिल्ली भी है। मैं बिल्ली भी पता नहीं क्या काम यामी होकर दी। तो ये देख सकते हैं खरगोश, ये बिल्ली की आवाज़ सुन सकते हो पीछे। हाँ ये है बिल्ली, ये बिल्ली भी है इधर। हाँ तो बिल्ली भी आपने देखी ली। तो अभी निकलते हैं यहाँ से टिकटों का और उसके बाद चलते हैं घर की ओर। गाइस लग चुका है यहाँ पे टीका, अब निकलेंगे हम अपने घर की ओर के लिए और खेतों के रास्ते निकलेंगे और भी आपको दिखाएंगे। तो हमारे नानी जी, तो चलते हैं हम। अरे देखिए रोनती तो यार आपको सर रास्तों में। तो गाइस ये कुछ पुराने टाइप के मकान घर देख सकते हो आप कैसी ये है। और अभी इन्हीं में से एक रोड से मेरे को निकलना है इधर, और कुछ जंगलों के नज़ारे हैं इधर और अलग ही लेवल को दिख रहे हैं देख सकते हो। और बाकी ये वाली रोड जो है सुनसान है पूरी। तो गाइस यहाँ की रोड जो है कि ये वाली सुनसान है, मैं रुकना नहीं चाह रहा था, बट शाम को इधर बहुत डर रहती है बाघ वगैरह की। तो अभी मैं काफ़ी आगे आके रुका हूँ, अभी मैं यहाँ से जो आपका गोपेश्वर वाला लाइन है तो उस बैंड पे से नीचे को कटूँगा, तो उसके बाद देखते क्या सीन रहता है। या अगर बीच में रुका तो फिर बीच का भी आपको शॉट मिलेगा, नहीं तो सीधा घर ही पे मिलेगा। अरे सीरीज बहुत पसंद आएगी, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं कैसा लगा आपको वहाँ का व्यू और नेचर। तो चलो गाइस मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तो तब करेंगे आपसे बात। तो और बताना ज़रूर कि कैसे लगी आपको वीडियो। तो चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में आपको।